हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए न्यू 3D बजरंग बली स्पेशल लाइटनिंग इफेक्ट वाला व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लाया हूँ। सिंपली दोस्तों, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को फुल देखना। सिंपली दोस्तों, मतलब अलर्ट मोशन ऐप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जो रिजोल्यूशन फ्रेम रेट एंड बैकग्राउंड मैंने रखा है सेम आपको वही रखना है। आपको कर देना क्रिएट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद मैंने आपको ऑडियो में आपको एक ऑडियो कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको कुछ करना, प्लस पे कर देना क्लिक। जाना है इमेज एंड वीडियो, आपको बजरंग बली की पीएनजी कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली पहले कर लेना जूम। जूम करने के बाद सिंपली आपको टाइमर वाला आइकन पर कर देना क्लिक। आपको वहाँ पर 0x रख लेना है। इसको इससे रखने के आपके यहाँ पर फुल ड्यूरेशन आपको इमेज हो जाएगी। एंड सिंपली आप यहाँ से टीम पार्ट हेड कर देते हैं। टीम पार्ट हेड करने के बाद सिंपली इमेज पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाना है एंड आपको इमेज को कुछ आपको इस साइड से स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद की का पैसा यहाँ पे रख देना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे 10 सेकंड पर आपको आ जाना है एंड आपको की का पैसा रख देना है। पैसा रखने के बाद सिंपली आपको इमेज को इस तरह से आपको यहाँ पे स्लाइड कर देना है। स्टार्ट करने के बाद सिंपली आपको आप 20 सेकंड पे आपको आ जाना है एंड की का पैसा रख देना है एंड आपको इमेज को कुछ तरह से आपको स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद सिंपली आपको स्टार्ट पोजीशन पे आ जाना है। स्टार्ट पोजीशन पर आने के बाद सिंपली आपको प्लस पे कर देना है क्लिक। जाना है आपको इमेज एंड वीडियो एंड आपको इस गैस वाली पिंजू कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा उसको जूम कर लेते हैं एंड उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली उसको ले जाना है एंड पोजीशन तक। एंड पोजीशन तक ले जाने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको एड इफेक्ट पर कर देना है क्लिक एंड आपको जाना है एड इफेक्ट। एड इफेक्ट पर आने के बाद सिंपली आपको जाना है कलर एंड लाइट में एंड आपको जाना है ह्यू शिफ्ट। यूज पहले आपको इफेक्ट को कर देना क्लिक एंड आपको जाना स्टैंडर्ड सेटिंग। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आने के बाद में आपको यहाँ पे की का पैसा रख देना है एंड आपको यहाँ एंड पोजीशन में आपको यहाँ पे की का पैसा रख देना है एंड आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको 1x45 रख लेते हैं। रखने के बाद में आपको ले लेना है बैक। बैक आने के बाद में इफेक्ट पर कर देना क्लिक एंड आपको इसको कर लेना कॉपी इफेक्ट। कॉफी इफेक्ट करने के बाद सिंपली आपको कुछ आपको स्टार्ट पोजीशन पे आ जाना है। स्टार्ट पोजीशन पे आने के बाद सिंपली आपको प्लस पे कर देना क्लिक एंड आपको एक शेप्स कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको ले जाना पहले फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन ले जाने के बाद सिंपली आपको जाना कलर एंड फिल्म में एंड आपको लाल कलर कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको शेप्स को एंड पोजीशन तक ले जाना है। एंड पोजीशन तक ले जाने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको शेप्स को इस तरह से आपको नीचे साइड से कर देना है। इसको करने के बाद सिंपली आपको राउंड रेक्टेंगल पर कर देना क्लिक। जाना आपको ब्लेंडिंग एंड कैपेसिटी में एंड सिंपली आपको जाना है कलर। कलर में आने के बाद सिंपली आपको जाना है ह्यू में। ह्यू करने के बाद आपको ले लेना है बैक। बैक आने के बाद सिंपली आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद सिंपली आपको कर देना है एड इफेक्ट। एड इफेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्वेश्चन करना, आपको ब्लिंग वाला इफेक्ट कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इसकी फ्रीक्वेंसी रखना है आपको वहाँ पे 440 रख लेते हैं। 440 रखने के बाद सिंपली आपको ले लेना है बैक। बैक आ जाने के बाद सिंपली प्लस पे कर देना क्लिक। जाना आपको इमेज एंड वीडियो। इमेज एंड वीडियो पर आने के बाद सिंपली यहाँ पे हम गैस वाली पिंजी कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको ले जाना है एंड पोजीशन तक। एंड पोजीशन पर जाने के बाद सिंपली आपको इमेज पे कर देना है पास क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड आपको वहाँ पे इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद सिंपली आपको कुछ करना, आपको वापस प्लस पर कर देना क्लिक। जाना इमेज एंड वीडियो। इमेज एंड वीडियो पर आने के बाद सिंपली यहाँ पे आप सेकंड इमेज को कर लेना क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली इसको भी कर लेना पहले जूम। सिंपली इसको जूम कर लेते हैं
एंड आपको आप पहले भी इंजन पे कर लेना क्लिक, क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड आपको की का पैसा देना है। की का पैसा करने के बाद सिंपली पहले इसको इमेज को ले जाना है एंड पोजिशन तक। एंड पोजिशन ले जाने के बाद सिंपली आपको पहले वापस मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाना है एंड आपको आ जाना है 10 सेकंड पे। 10 सेकंड पे आने के बाद की का पैसा यहाँ पे रख देना है एंड आपको इमेज को कुछ तरह से आपको यहाँ पे स्लाइड कर देना है। स्टार्ट करने के बाद सिंपली वापस आपको यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन पे आ जाना है। स्टार्ट पोजीशन पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे सेकंड वाली इमेज पे कर देना क्लिक, क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जाना मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड आपको थर्ड वाले आइकन पे कर देना क्लिक, क्लिक करने के बाद सिंपली प्लस पे कर देना क्लिक एंड आपको वापस 10 सेकंड पे आपको आ जाना है एंड की का पैसा रख देना है। पैसा रखने के बाद सिंपली यहाँ पे हम बैग ले लेते हैं यहाँ पे वाले की का पैसा रख देते हैं वापस 10 सेकंड पे आ जाते हैं। 10 सेकंड आपको इमेज को किस तरह से आपको यहाँ पे स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीएनजी पे कर देना क्लिक, क्लिक करने के बाद सिंपली जो हमने इफेक्ट क्लिक कॉपी किया था उसको कर देना यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट हमने यहाँ पे कर दिया। पेस्ट कर लेने के बाद सिंपली प्लस पे कर देना क्लिक, क्लिक करने के बाद जाना आपको इमेज इन वीडियो एंड आपको अपने फोल्डर में चले आना है। फोल्डर में आने के बाद सिंपली दोस्तों हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं। फोल्डर में आने के बाद सिंपली दोस्तों मैं ये वाली वीडियो लेकर कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली थ्री डॉट्स पे कर देना क्लिक एंड आपको कर देना है फिल स्क्रीन। फिल स्क्रीन करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्लेंडिंग इन कैपेसिटी में आ जाना है एंड आपको कर देना है लाइटनिंग में कर देना आपको स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम 25 सेकंड ले रख लेते हैं यहाँ पे। इसको रखने के बाद सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हम पहले साउंड कर देते हैं म्यूट। म्यूट करने के बाद सिंपली वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। नेक्स्ट तो कुछ हमारे इस तरह के 3D वर्जन वाली लाइटनिंग इफेक्ट स्टेटस वीडियो क्रिएट हो चुका है। सिंपली दोस्तों आप इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना चैनल सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह डेली वीडियो देखने को मिलती रहे। जय हिंद।